हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है श्वेता क्रिएशंस पे। और कैसा लग रहा है मेरा फेस, आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं मुझे पता नहीं। मैं तीन चार दिन से मैं लेमन और राइस पाउडर का फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये उसका ही इफेक्ट है, आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने ना ही कोई ना ही स्नो लगाया, ना पाउडर लगाया, कुछ भी नहीं। देखिए मेरी आंखें भी देखिए, कोई मेकअप नहीं है, देख रहे ना। वरना ये सब तो नहीं होता ना, आपको तो पता है मेकअप के बाद हमारा फेस कितना चेंज है। हाँ, पर मैं थोड़ा सा ये लगाया, वेसलिन लगाया है मेरे होठों पे, इसीलिए वो थोड़ा शाइन कर रहा है। मैं इसीलिए आपको आपके पास नेचुरली आई, नेचुरल लुक में आई, आपको पता चले कि ये काम कर रहा है। और आज का मेरे मन में एक डाउट था, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने सर्च किया, पता किया, तभी आपके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। मैं तकरीबन एक दो साल से ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब में मैं देख रही हूँ कि टूथपेस्ट हमारे स्किन, मतलब फेस पे लगाने के बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हो। सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट में लेमन मिला के, लेमन टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा, हम खाने वाला सोडा जो होता है वो मिला के, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो। मुझे लगा टूथपेस्ट जो दांतों के लिए है वो कैसे फेस पे हम लगा सकते हैं। देखिए हमारा टीथ कितने हार्ड होते हैं और हमारा फेस कितना सॉफ्ट होता है, तो इसमें जो केमिकल होगा वो हमारे दांतों की मतलब मैल निकालने के लिए होगा, तो वो अगर हमारे फेस पे हम यूज़ करेंगे तो वो कितना हार्म करेगा हमारे फेस के लिए। जब हम शैम्पू करते हैं वो पानी भी हम फेस पे ना गिरने के हम साइड पे ऐसे हेयर वॉश करते हैं, मैं तो ऐसे करती हूँ। तो ऐसे दांतों के लिए जो है वो हम फेस पे कैसे अप्लाई कर सकते। तो मैंने हमारे गूगल महाराज से सर्च किया क्या इस टूथपेस्ट इज द बेस्ट फॉर आवर स्किन। तो उसमें जो सारी बातें आई मैं तो हैरान रह गई। मतलब किस किसी ने ऐसा भी पोस्ट किया है कि उन्होंने यूज जो किया उसकी वजह से उनका अच्छा चेहरा भी बिगड़ गया। आप सोचिए, जब हम हमारे बॉडी में जो सोप लगाते हैं वो हमारे फेस पे हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे बॉडी का स्किन हमारे फेस के स्किन से हार्ड होता है, हमारा फेस का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है। हमारे बॉडी का जो पार्ट है, मतलब कोई स्किन हार्ड होता है, कोई स्किन सॉफ्ट होता है, ऐसे हमारा फेस का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है और बॉडी का स्किन उससे थोड़ा हार्ड होता है। तो हम जब वो बॉडी वाला सोप हम यूज नहीं करते, फेस पे फेस वॉश यूज करते हैं, तो ये कोई कैसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं? ये कैसे, मतलब हमें पॉपुलैरिटी चाहिए, कुछ नया कंटेंट चाहिए, इसीलिए क्या हम ये टूथपेस्ट, मतलब जो कि स्किन के लिए हार्म है, हमें कोई देख रहा है, हम पे बिलीव करके वो एक चीज देख रहा है, तो हम कैसे इसे सजेस्ट कर सकते हैं उन्हें, तो उनका बिलीव का क्या। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, ये बहुत ही स्किन के लिए हार्म है। आप चाहे कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए, टूथपेस्ट जो दांतों के लिए भी हम यूज करते हैं उसका भी कोई सिंबल होता है, यहाँ पे रेड ब्लू एंड ग्रीन, कोई कुछ अच्छा है कुछ बुरा है वो मुझे ठीक से नहीं पता। अगर वो आप उस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए अच्छा है, तो मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए, पर मैं स्किन के लिए ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप अपना स्किन को, अच्छी स्किन को बुरा बनाना चाहते हैं तो इसे यूज कीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो टूथपेस्ट वाला वीडियोस है ना उस पे व्यूज मतलब 5 लाख 6 लाख
2 लाख ऐसे व्यूज आए हैं, व्यूज है। अगर उन सब लोगों ने यूज किया होगा तो उनका फेस खराब हो गया होगा, तो 99% ये फेस के लिए खराब होता है। हाँ, अगर आपका पिंपल बहुत बड़ा पिंपल है, आपको कहीं जाना है, उसे अगर आपको सुखाना है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा किसी ने सजेस्ट किया है। पर क्योंकि वो स्किन, आप जब आप उसे लगाएंगे ना, वो स्किन उसका स्किन खराब हो जाएगी, वो फट जाएगा और वो निकल आएगा। तो पिंपल जब उसे निकालना होगा तो वो स्किन खराब होगा, इसीलिए वो निकल आएगा। तो आप सोचिए, अगर नॉर्मल फेस पे हम लगाएंगे तो वो क्या होगा? आप लोग तो जानते हैं कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए। कोई भी वीडियो ऐसे ही देख के उसे फॉलोअप करके स्किन पर मत लगाइए, मैं बस इतना ही सजेस्ट करूंगी। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट करना भी ना भूले। बाय।